उसके अलावा अन्यथा दो चौकीदार और थे जो 15 तारीख से बाहर गए हुए थे, एक नेपाल का बहादुर था और एक यूपी का मोहन सिंह था। ये दोनों भारतीय बुजुर्ग चौकीदार मेरे नारे लिए हैं जो आज से 20 साल से मेरे यहाँ। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर थ्री व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ CNG में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड अपोजिट रिलायंस मार्ट नसीराबाद रोड बिहारीगंज अजमेर। कहाँ गए थे क्या? एक्चुअली 20 तारीख की रात की घटना है ये। दूसरे दिन हमारे महावीर जयंती का पर्व था तो रात को तकरीबन 12:30-1 बजे मैं, मेरी वाइफ और मेरा अकाउंटेंट यहाँ थे हम लोग। तो एक गाड़ी स्क्रैप की मेरी लोड हो रही थी, उसको लोड कराने के पश्चात मैं रात को 1 बजे यहाँ से घर गया। चौकीदार को, मेरा बुजुर्ग चौकीदार है, उसके अलावा अन्यथा दो चौकीदार और थे जो 15 तारीख से बाहर गए हुए थे, एक नेपाल का बहादुर था और एक यूपी का मोहन सिंह था। ये दोनों भारतीय बुजुर्ग चौकीदार मेरे नारे लिए हैं जो आज से 20 साल से मेरे यहाँ हैं। वो पीछे वाले प्लॉट पर सो रहे थे। तकरीबन 3 बजे तक मैंने कैमरे चेक करे, 3 बजे तक मुझे कोई वारदात नजर नहीं आई घर से मोबाइल में। 3 बजे बाद कैमरे कुछ ऊपर थे तो मैंने देखा हवा आंधी चल रही थी तो सो गया था मैं बाहर के कैमरे। 3 से 6 के बीच के अंदर पश्चात कई चोर अज्ञात जो थे मेरे गोडाउन के अंदर धर्म कांटे के ऊपर से चढ़ के नीचे कूदे। उन्होंने सारे CCTV कैमरों के साथ छेड़खानी करी। एग्जॉस्ट फैन था मेरे ऑफिस के बाथरूम का, उसको तोड़ा, उसमें से वो ना घुस पाए। फिर उन्होंने मेरे जो मेन गेट है उसके शटर को ओपन करने की कोशिश करी, वो भी उनसे नहीं खुल पाया क्योंकि वो लॉक था, उसकी चाबी मेरे पास थी। उसके पश्चात उन्होंने टफन लगा था मेरे बगल में ऑफिस के, जो वेटिंग रूम का टफन है, उसको पूरा तोड़ा। उस तोड़ने के बाद उस टफन को वो अंदर घुसे। अंदर घुसने के पश्चात उन्होंने ऑफिस के CCTV सारे कैमरे हैं उनको, उनकी पूरी दिशा बदल के उनको पूरा घुमा दिया गया ऊपर की तरफ। सोफे पर चढ़ के, चोर की हाइट तकरीबन 6 से 7 फुट है क्योंकि सोफे पर चढ़ के उसने ऊपर DVR लगा था जो CCTV कैमरे का, उस DVR के साथ भी छिड़कानी करी है। उसके पश्चात उसने जो मेरी डेली के स्क्रैप की सेल परचेज के जो थोड़े बहुत पैसे रखे रहते हैं यहाँ पे 1-1.5 लाख रुपये, वो उसने, चोर पूरा शातिर तरीके का था, उसको पूरा अंदाजा था, उसने और किसी चीज़ पर हाथ नहीं मारा, उसने वहीं उस सेफ पर हाथ मारा जहाँ उसको पता है कि मैं डेली रकम रखता हूँ। वो पैसे नीचे पाए गए उसको, वो पैसे लेके वो यहाँ से, और 1.5 घंटे का काम है वो पूरा निकल के गया यहाँ से। 1-1.5 लाख के आसपास मेरी खरीद फोक बिक्री के पैसे थे। CCTV फुटेज मेरी, क्या मैंने लाइव रिकॉर्डिंग बंद कर रखी थी, लाइव चालू थे, रिकॉर्डिंग उनकी बंद थी जी। ये सारी शिकायत तुरंत दर्ज कराई मैंने अलवरगढ़ थाने पर। उस दिन हमारे महावीर जयंती का पर्व था, मैंने कच्ची रोड के रिपोर्ट के आधार पर उस दिन रिपोर्ट दी थी। तत्पश्चात कल मैंने जाके वहाँ पे अपने इस वारदात की FIR दर्ज कराई अलवरगढ़ थाने में। हाँ जी, ये नाका मदार ज्ञानोदय नगर स्थित है, मेरी फर्म श्री ओमकार स्टील्स, मैं खुद श्रियांश जैन यहाँ का ओनर प्रोपराइटर हूँ और मेरा स्क्रैप का व्यापार है यहाँ पे। और कल मैं अलवरगढ़ थाने गया, वहाँ पर साहब ने मेरे को, श्याम सिंह जी साहब CI साहब थे, उन्होंने मेरे को पूरा कॉपरेट करा और मेरी FIR दर्ज